सुरेश खन्ना ने बुधवार को योगी सरकार 2 का दूसरा आम बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्टों को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। बजट में एक्सप्रेसवे विस्तार, एयरपोर्ट, कृषि, सुरक्षा, युवा रोजगार के साथ बालिका शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। ऐसे में गोरखपुरवासियों ने सरकार के इस बजट की सराहना करते हुए कहा है कि सरकार के इस बजट से गोरखपुर में रोजगार का एक नया आयाम स्थापित होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा, वहीं यह बजट विकास की नई गाथा बनेगा। प्रदेश का बजट आज पेश हुआ है विधानसभा में और इसमें गोरखपुर का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है, जिसमें गोरधैया नाला के लिए भी पैसा आवंटित किया गया है और गीडा के का भी उत्थान हुआ है, गीडा को भी इसमें पैसा आवंटित हुआ, इससे गीडा में इंडस्ट्रीज बढ़ेगी और गीडा का उत्थान होगा तो रोजगार यहाँ बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। जब लोग आएंगे तो खाने पीने की चीज़ें भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो व्यापार भी बढ़ेगा और इस बजट में जो है एयरपोर्ट का भी बजट दिया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश का मतलब गोरखपुर का एयरपोर्ट का जो है जो अच्छा विकसित होना चाहिए था, जिससे मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी गोरखपुर की योजना है कि इसको, तो अच्छा रहा ये बजट मिलजुल कर और गोरखपुर इसमें काफ़ी कुछ मिला है। सबसे जरूरी है गोरधैया नाले का अच्छी तरह विकास करना, उसको रामगढ़ताल की तरह विकसित करने की योजना है महाराज जी की, तो उस पर डबल इंजन की सरकार है, विकास गोरखपुर का हो रहा है, आगे भी और अच्छा होगा। इन लोगों ने कोरधैया नाले का जीर्णोद्धार की बात आई है, यह कि अपना जो एयरपोर्ट है उसका भी सुंदरीकरण की बात आई है और थोड़ी विस्तार की भी बात आई है, तो ये काम तो डेवलपमेंट के मतलब हो रहे हैं, अच्छी बात है। और मतलब विशेष तो जब आदमी पूरा उसको देखता है, अध्ययन करता है, तो ही कुछ और अच्छी बात कर सकता है। क्या आपको लगता है गीडा का अगर विकास होता है तो कितना फायदा गोरखपुरवासियों को मिलेगा? गीडा का विकास होता है, गीडा तो मेन रूप से इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और हर हिसाब से जब व्यापार उन्नति करता है तो उससे जितने कंसर्न लोग हैं सब लोग को कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होती ही है, जो है ये तो अच्छी बात है विकास। तो प्रदेश सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें 6,90,242 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश के लिए बजट पास हुआ है, जिसमें गोरखपुर के लिए जो बजट पास हुआ उसमें 650 करोड़ रुपए गोरधैया नाले के लिए आवंटन किया गया है, कि एक जो कि बहुत अच्छी बड़ी राशि है और बहुत ही अच्छा कार्य होगा, और 240 करोड़ रुपए गोरखपुर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गीडा सेक्टर को जो है आवंटन हुआ। सर, अगर गीडा को विकास, गीडा का विकास होता है तो कितना व्यापारियों को लाभ होगा और कितना जो है यहाँ के आम जनमानस को लाभ होगा? गीडा में जो विकास कार्य होंगे, उद्योग लगेंगे, उससे व्यापार भी बढ़ेगा, निश्चित रूप से उद्योग आएंगे, उद्योग लगेंगे, उससे व्यापार भी बढ़ेगा, आम जनमानस को ये भी लाभ मिलेगा उससे कि रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। काफ़ी जो हमारे यहाँ के रहने वाले बाहर चले जाते थे कहीं कि कमाने के लिए, कोई दुबई जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, तो यहीं हमारे गोरखपुर शहर में ही जब विकास के उद्योग लग जाएंगे तो यहाँ के जनमानस को लाभ तो उससे बहुत मिलने ही वाला है, गोरखपुर शहर को बहुत लाभ तो मिलने ही वाला है, पूरे उत्तर प्रदेश को उससे लाभ मिलेगा। नहीं, बजट बहुत अच्छा पेश हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कहा है गोरखपुर के सब, इसमें जो इन्होंने दिखाया है गोरखपुर में, गोरखपुर के लिए बजट जो दिया गया है इसमें 200 करोड़ रुपए का ये दिया गया है और कान्हा उपवन के लिए जो दिया गया है 100 करोड़ रुपए और गोवंश के लिए जो दिया गया है 750 करोड़ रुपये और गौ संरक्षण केंद्रों के लिए दिया गया 120 करोड़ रुपये, नगरीय सड़कों के लिए दिया गया 500 करोड़ रुपये और महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए और सड़कों के लिए जो 21,000 करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया है और मेडिकल कॉलेज के लिए जो उन्होंने 2500 करोड़ रुपए अनाउंस किया है, ये बहुत ही सराहनीय बजट को बताता है और आगे भी इस तरह अगर काम होता रहे तो ये सरकार जो है जिस तरह का कार्य करेगी इस पर हम लोग को बहुत ही खराब मतलब समझ में आता है कि बहुत बढ़िया बजट है और हमें इसको जैसा कि यूपी बजट जो भी घोषित किया गया है वो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक ही ठाक है और विशेषकर गोरखपुर का विशेष ख्याल रखा गया है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को आभार, कि मैं चूँकि मैं भी गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूँ
और निषादों के हित में जितने निषादों की आबादी है उसके परिप्रेक्ष्य में उसका बजट नहीं है। निषादों की हिस्सेदारी को देखते हुए, निषादों की आबादी को देखते हुए निषादों के हित में तमाम योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जानी चाहिए। उनके हित में तमाम और ज़्यादा बजट देने की ज़रूरत